देखो, जैसे आपका लिखा हो प्लस थ्री ए प्लस टू ए, तो ए को हमें सिर्फ क्या देखना है कि ए कहाँ कहाँ है। ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ए को मैंने ऐसे ही उतार लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, प्लस थ्री है प्लस टू, दोनों साइन सेम है। सेम होने पे हम लोग क्या करेंगे, जेड ऐड, थ्री प्लस टू फाइव। इसी जगह पे देखो, अगर आपका ऐसे लिखा हो माइनस फोर वाई प्लस सेवन वाई, ठीक है, तो वाई आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप ये देखो, फोर के सामने क्या साइन है, माइनस, सेवन के सामने क्या साइन है, प्लस। दोनों साइन क्या हैं, सेम हैं या अलग? अगर अलग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घटाओ। सात में से चार गया तीन, अब किसका साइन रहेगा, सात के सामने प्लस है, चार के सामने माइनस है, बड़ा कौन है, सात, तो सात के सामने वाला साइन यहाँ पे आ गया प्लस थ्री। अब इस वाई को आप बस ऐसे ही उतार लो, ठीक है। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन में आप देखो, जैसे आपका लिखा हो थ्री ए प्लस फोर ए माइनस टू ए। अब इसमें दो दो आप यूज़ करो, पहले इन दोनों को यूज़ करो, तो थ्री के सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और फोर के सामने क्या साइन है, प्लस, दोनों साइन सेम हो गए, तो चार तीन सात। अब साइन किसका आएगा, प्लस का, और ए को हम लोग ऐसे उतार लिए। अब इस माइनस टू ए को भी उतार लो। अब देखो, अब क्या आएगा, सेवन ए माइनस टू ए क्या आएगा, दोनों साइन अलग है ना, प्लस सेवन माइनस टू, प्लस सेवन माइनस टू, साइन अलग है मतलब क्या करेंगे, घटाओ। सात में से दो गया पाँच, ए को मैंने ऐसे ही लिख लिया, और साइन किसका आएगा इसके सामने, सेवन के सामने प्लस है तो प्लस। अब अगर देखो, माइनस सेवन एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स, ठीक, फिर से मैंने दो दो का पेयर, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो माइनस सेवन माइनस टू, दोनों साइन सेम है। सेम होने का मतलब क्या होता है, हम लोग सात में दो को जमा कर लिए, सबसे पहले यही कर लो, सात दो नौ। अब साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि सेवन बड़ा है, सेवन के सामने माइनस है, और एक्स को ऐसे उतार लिए। अब एक काम करो, प्लस फाइव एक्स को भी उतार लो, ठीक, दो दो का जोड़ा बना कर करोगे आप लोग आराम से कर पाओगे। माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स, अब देखो माइनस नाइन प्लस फाइव, साइन क्या है, दोनों का अलग है, अलग साइन होने का मतलब क्या है, घटाव करेंगे। नौ में से पाँच गया चार, एक्स को ऐसे ही उतार लिए। अब साइन किसका आएगा, नौ बड़ा है और नौ के सामने माइनस है, तो माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब इसी ढंग से एक आप देखो, जैसे लिखा होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे अधिक गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कोई नंबर है, नहीं है, नंबर नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, वन, अपने से ही मान लेंगे, छुपा हुआ वन, छुपा हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक्स स्क्वायर को पहले हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, तो फोर के सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस फोर माइनस टू कितना आएगा, साइन अलग है, चार में से दो गया दो, ठीक है, साइन किसका आएगा, चार के सामने प्लस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे उतार लिए, अब उसी ढंग से माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को उतार लिए, प्लस वन एक्स स्क्वायर को भी उतार लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस टू माइनस थ्री, देखो आप लोग पहले ही घबरा जाओगे, अरे बाप रे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं बाबा, वो सिंपल सा है कि आप उसको सिर्फ आइडेंटिटी करना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ है उसको हम लोग जो जमा या घटाव करेंगे। तो प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, अब हम लोग इसके बारे में, इसके ऊपर करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, प्लस टू माइनस थ्री क्या आता है, माइनस वन एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लिए, अब ये वन एक्स स्क्वायर को भी इधर उतार लिए, तो अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन क्या होता है,
भाई दोनों साइन अलग हैं, मतलब क्या होगा, घटाओ, एक में से एक गया जीरो, तो जीरो में ये जीरो एक्स स्क्वायर बहुत सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन याद रखना जीरो अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल ही जीरो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, जीरो। ठीक है, एक और चीज़ देखो, जैसे अगर आपका लिखा हो